टू ऑल ऑफ यू, आज अपन डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर की एनाटमी, गॉल ब्लैडर के फंक्शंस। चलिए देखते हैं गॉल ब्लैडर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर इंपीरियर सरफेस ऑफ लीवर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो पोस्टीरियर इंपीरियर सरफेस ऑफ लीवर के पीछे होती हैं। लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर, डायामीटर होता है 4 सेंटीमीटर, कैपेसिटी होती है 50 to 60 ml। कैपेसिटी मतलब यहाँ पे बाइल को एक कंटेंट करके रखती हैं, 50 से 60 ml कैपेसिटी होती हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हो, मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं, बट इन फंडिबुलम को भी काउंट किया जाता है। फंडस यहाँ तक का पार्ट फंडस कहलाएगा, बीच का पार्ट बॉडी, और बॉडी के जस्ट अपर इन फंडिबुलम, और इन फंडिबुलम के ऊपर नेक, और नेक पर एक सिस्टिक डक्ट होती हैं जो लीवर से हिपेटिक आर्टरी के रूप में आती हैं, और हार्टमान पाउच भी होता है सिस्टिक डक्ट के जस्ट साइड में। चलिए आगे देखते हैं। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। फ्रॉम नेक इट इज अटैच्ड विद सिस्टिक डक्ट। नेक से अटैच एक सिस्टिक डक्ट होती है। हार्टमान सर्जरी करते हैं रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, मतलब रेक्टम और सिग्मोइड को हटाना, ये इसमें की जाती हैं। ये याद रखना, ऐसे ही कोई रेयर केस में किया जाता है हार्टमान सर्जरी रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, सिग्मोइड कोलोन हो तब। फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर के? स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल को स्टोर करके रखती है। कंसंट्रेट द बाइल, प्रोड्यूस कोलेगोक रिफ्लेक्स, और कौन सा रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवाता है ये याद रखना, प्रोड्यूस कोलेगोक रिफ्लेक्स करवाता है गॉल ब्लैडर। ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन गॉल ब्लैडर, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाए गॉल ब्लैडर में तो उसको बोलते हैं कोलेस्टेटोसिस। कोलेस्टेटोसिस गिव्स पिंकिश अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अगर कोलेस्ट्रॉल ओवर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को कोलेस्टेटोसिस बोलेंगे, और उस कंडीशन में किस टाइप का गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा? पिंकिश अपीयरेंस। एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर इंपीरियर सरफेस ऑफ लीवर। पाउच लाइक थैलीरूमा संरचना होती है जो पोस्टीरियर इंपीरियर सरफेस ऑफ लीवर के पीछे स्थित होती हैं। लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर, डायामीटर होता है 4 सेंटीमीटर, कैपेसिटी होती है 50 से 60 ml। बाइल को कंडक्ट कर रखती है। पार्ट्स होते हैं फंडस, बॉडी, इनफंडिबुलम, नेक, और हार्टमान पाउच भी होता है गॉल ब्लैडर में, और सिस्टिक डक्ट होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। फ्रॉम नेक इट इज अटैच्ड विद सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट होती है नेक से अटैच। हार्टमान सर्जरी रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी में करते हैं, ये नोट्स करके याद रख लेना। फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर के? स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल को स्टोर करके रखती हैं। कंसंट्रेट द बाइल, और प्रोड्यूस कोलेगोक रिफ्लेक्स, ये याद रखना है। गॉल ब्लैडर कौन सा रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवाता है? कोलेगोक रिफ्लेक्स। ओवर एक्यूमुलेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ओवर एक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोलेस्टेटोसिस, और उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल कैसा देखने को मिलेगा? पिंकिश देखने को मिलेगा, पिंकिश अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। थैंक यू टू ऑल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।